गिरीश जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस लोकतंत्र के मंदिर में अंतिम दिन में मुझे मौका दिया बोलने का, मैं पहले आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यहाँ पर आने का मौका जो मिला बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से, और मेरी नगीना लोकसभा जो उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के आशीर्वाद से मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का मौका मिला। मैं सबसे पहले इस देश के और जो श्री प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश के लिए अच्छे कदम उठाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। सभी आदरणीय मंत्रीगण और सभी दलों के जो हमारे फ्रंट लीडर्स हैं उन सबका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी और मान्य सांसद जो हमारे साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में जिस तरीके से हम जैसे नए सदस्य को आपने जीरो आवर में समय नहीं मिला आपसे रिक्वेस्ट करी, और आपने हम लोगों को चाहे रात के 11 बजे या 12 बजे में मौका मिला अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को उठाने के लिए, उसके विकास के लिए जो आपने समय दिया है, और जो आपका नेतृत्व था जो पूरे सदन को चलाने में जो आपकी भूमिका अहम रही है, अगर पक्ष और विपक्ष में भी कहीं तरकी है तो आपके समय व्यवहार ने उसको भी शांत कराकर एक अच्छे सदन की प्रक्रिया को चलाने में आपने योगदान दिया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस 17वीं लोकसभा के अंतिम दिन हम लोग यहाँ सब विदाई के लिए इकट्ठा हैं। 17वीं लोकसभा में जहाँ सरकार ने अपना एजेंडा बिल्स पास किए, वहीं आपके नेतृत्व में जीरो आवर जो है वो बहुत पॉपुलर हुआ, और आपने सबको जीरो आवर उठाने में अपने अपने मुद्दे उठाने का मौका दिया। मैं अपनी क्षेत्र की जनता, अमरोहा की जनता, जिसके आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया, और यहाँ जितने हमारे कुलीग्स चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक बात जो हमारे वरिष्ठ सांसद कह रहे थे कि हाँ ये पूरा 5 साल का टेन्योर में एक जो कमी, 2 साल तो कोविड के दौरान प्लस अब जो नए सदन में हम आए हैं तो सेंट्रल हॉल की तो वाकई आवश्यकता महसूस होती है। कई बार तो सर ये लगता है, राज्यसभा वाले तो छोड़िए, कई बार हम इधर से उधर वाले भी कई कई दिन हो जाते हैं कि मुलाकात नहीं होती। लेकिन आपको मैं सब अध्यक्ष महोदय आपको का धन्यवाद करते हुए मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि जिस मकसद के लिए ये देश आज़ाद हुआ, हमारे संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान बनाया, ये लोकतंत्र मजबूत रहे, जिंदा रहे, आने वाले वक्त में ये इस लोकतंत्र जिंदा रहे, इसी आशा के साथ मैं सबको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बोलने का मौका दिया। मैं एक ही बात कहूँगा कि आपके लीडरशिप में इतना काम हुआ, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बाद 1952 में जो पहली जो लोकसभा थी, जैसे 17वीं लोकसभा है, 677 सिटिंग्स हुई और अब इसमें केवल 300 के करीब हुई है, लेकिन काम आपने उससे भी ज़्यादा किया और सब ने मिलजुल करके जो काम किया, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम दिन और कुछ अंतिम क्षण, मेरे लिए ये लोकसभा अत्यंत ही अविस्मरणीय समय रहा है। इन 5 सालों में आपके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी देर तक कभी सदन चलता था, मैं विधानसभा में भी रहा हूँ, ऐसा मैंने नहीं देखा था। बड़े बड़े मुद्दों पर अभी अनुप्रिया जी और सुप्रिया जी ने बातें रखी, जैसे महिला आरक्षण बिल, उसके साथ साथ 370 हटाया गया, ऐसे तमाम बड़े मुद्दे जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि एक देश और दो अलग अलग निशान नहीं रह सकते, ये सारी जो चीज़ें थी इनको हटाया गया और बड़े मुद्दे पे जो है चर्चा हुई। हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। अध्यक्ष महोदय, आपके 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 संरक्षण में हमने यहाँ पे तमाम उन बेहतरीन क्षणों को याद करना पड़ेगा, चाहे वो पुरानी लोकसभा में रहा हो और चाहे अब ये नई लोकसभा में। मैं हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे सभी हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यगण, विपक्ष के हमारे जितने साथी हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग पहली बार इस लोकसभा में आए थे, कम उम्र पे आए हैं,
सबने उंगली पकड़ करके इस सदन में जो यहाँ की परिपाटी रहती है उसको समझाया सिखाया। ये एक बहुत ही बड़ी जो एक हम लोगों का भाईचारा है, ये सदन के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश में आप कहीं पे भी चले जाते हैं तो सांसदों का उनके क्षेत्र में जो बल मिलता है उससे भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मैं आपका इसके लिए आभारी हूँ। और अंत में एक शेर मैं कहूँगा, क्योंकि हम सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं और जायज सी बात है कि इनमें से हम में से हो सकता है कुछ लोग ना आए, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वापस आए, लेकिन सबके लिए एक शेर है कि सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, सबको मिल जाएगी मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी के राहे सफर में यूं ही चलते रहना है। सबको मिल जाए मंजिल ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी के राहे सफर में यूं ही चलते रहना है। तुम चिरागों की तरह राह में जलते रहना, हर अंधेरे को उजालों में बदलते रहना। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में इस 17वीं लोकसभा के अंतर्गत हम लोगों को जो यहाँ पे अवसर मिला है अपने आप में निखारने का, और यहाँ पे जो हमारा स्टाफ बैठा हुआ है जिनके जरिए हम लोगों को तमाम अवसर मिले और उन्होंने भी उंगली पकड़ के हमें गाइड करने का काम किया है, मैं सभी का आभार देता हूँ। ये मेरे लिए मेरे जीवन का एक बहुत ही अविस्मरणीय समय रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब पुनः 18वीं लोकसभा में इसी सदन में मिलेंगे और अपने अपने मुद्दों को लेकर के मजबूती से अंबेडकर नगर की जनता के लिए और आप लोग अपने अपने लोगों की जनता अपने क्षेत्र की जनता के लिए पूरी ताकत से लड़ने का काम करेंगे। हमें इसलिए यहाँ चुन करके भेजा जाता है ताकि हम अपनी जनता जनार्दन का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर सके और उनके हक हकूक की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में, देश के सबसे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पूरी ताकत से लड़ने का काम करें। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं, लोकसभा के एक एक जो यहां पे हमारे कार्यरत साथी है मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। सभापति महोदय, जो आपने मुझे रूल 193 के तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपकी आभारी हूँ। भगवान श्री रामलला 500 साल बाद तिरपाल से निकलकर अपने घर में स्थापित हुए हैं। मैं और मेरे क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ की तरफ से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्रदेश है और उस विशाल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है आजमगढ़, जहाँ एक तरफ काशी है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ गोरखनाथ है, तो बीच में है आजमगढ़। पूर्वांचल का दिल है आजमगढ़, जहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, मंदिर की घंटी है, मस्जिद की अजान है आजमगढ़, कैफी आजमी की शायरी है और महापंडित राहुल सांस्कृतायन की नगरी है आजमगढ़। सती अनुसुईया के तीनों पुत्रों चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है आजमगढ़। यह वो धरती है जहाँ महाभारत काल में सांपों को मारने का यज्ञ राजा जन्मजय ने किया। यह पावन अवंतिकापुरी धाम है आजमगढ़। यहाँ गुरु नानक के 8वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह साहेब की चरण पादुका है। यहाँ माता सती की जंगा जहाँ गिरी है वह पावन परमेश्वरी शक्तिपीठ है आजमगढ़। कहते हैं जब राम जी वनवास गए तो यहीं टोंस नदी के कौल घाट पर गणेश जी की मूर्ति बनाकर गणेश पूजन कर उन्होंने अपना वनवास का प्रारंभ किया। ऐसा बड़ा गणेश मंदिर है आजमगढ़, बाबा भवरनाथ का पावन मंदिर है आजमगढ़। कुछ काफिरों ने मेरे शहर को बदनाम भी किया, लेकिन उस बदनामी में भी आबाद है आजमगढ़। यहाँ अमन है, प्यार है, भाईचारा है, खुशहाली का नाम है आजमगढ़। मुझे गर्व है कि मैं उस ऐसी धरती से आती हूँ जिसने देश को साइंटिस्ट दिए, IAS दिए, इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर्स दिए, मंत्री दिए और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक दिया। जय हो आजमगढ़। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम सदन है, लेकिन एक नई शुरुआत है आजमगढ़। मैं एक विनती के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि जो विकास की गंगा काशी से लेकर सरयू तक जा रही है उसमें तमसा और घाघरा को भी शामिल करें, मेरे शहर को काशी और अयोध्या सर्किट से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन और रोज़गार के दरवाज़े खुले, लोगों का पलायन रुके और मेरी शहर की तरक्की हो। और मैं सरकार को एक और बधाई भी देना चाहती हूँ कि हाल ही में किसानों के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। साथ ही मैं मांग भी करती हूँ कि माननीयवर कांशीराम साहब को
और मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में एक वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन करोड़ों दलितों, शोषितों, गरीबों और सर्व समाज को उस एक वोट की कीमत समझाने का काम माननीय कांचीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। अपने वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंच सकते हैं, समाज में चेतना जगाने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि माननीय साहब को और माननीय मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी लोकसभा लालगंज की जनता की भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे अपनी आवाज़ बनाकर यहाँ तक भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजमगढ़। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी।